जब से पूरा मोदी सरकार आई है मुस्लिम समाज तब से आक्रामक हुआ है, जिसका परिणाम बीते रमजानों के महीने में अनेक स्थानों पर परंपरा डालते हुए सड़कों पर थाने में नमाज पढ़ी गई है। आपकी सरकार ने पूर्ववर्ती मुस्लिम पुष्पीकरण नीति को पीछे छोड़ते हुए तुष्टीकरण की पराकाष्ठा और शिखर पर पहुंच गए। जब चुनाव आता है तब हिंदू हिंदू करते हो और हिंदू कहलाना पसंद करते हो, काम सारे मुस्लिम समाज के लिए करते हो, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद मांग करता है आपकी सरकार हिंदू वोटों से बनी है, आता है आप हिंदू हित के लिए कार्य करें और मुस्लिम समाज के लिए बनाई गई सभी योजनाओं को निरस्त करें, नहीं तो हिंदू समाज आपकी नीतियों का विरोध करने के लिए बात होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी। मुरादाबाद के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुरादाबाद इंपीरियल चौराहे पर नेशनल हाईवे को जाम करके राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ करा, महाआरती करी। कार्यकर्ताओं का कहना है उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर भाजपा की सरकार मोदी सरकार है, जिस दिन से मोदी सरकार आई है दोबारा लौटकर तब से ऐसा देखने में आया है मुसलमानों के तेवर बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। कहीं सड़कों पर बैठकर नमाज होती है तो मोदी जी उन मुसलमानों को खुले रूप से 5 करोड़ मुस्लिम छात्राओं को छात्रवृत्ति बांट रहे हैं, 51,000 रुपए कन्याओं के विवाह के लिए दे रहे हैं। कहीं देखने में आया हजाओं स्कूल वाले जा रहे हैं, अरे आपको हिंदुओं ने वोट दिया था हिंदू हित के काम करने के लिए, ये सड़कों पे नमाज कराने के लिए या हजाओं खोलने के लिए नहीं, हिंदू समाज ने आपको वोट दिया था हिंदू हित का काम करने के लिए, तो आपको शीघ्र हिंदू हित का काम करना पड़ेगा और अगर आप नहीं करते हैं तो हिंदू समाज सड़कों पर आपका विरोध निरंतर करता रहेगा। आज हनुमान चालीसा हुई है, कल को पुतले फूकेंगे या और कार्यक्रम होंगे।